टीचर्स पॉइंट। मैं महिमा आज आपके सामने जो क्लास देने जा रही हूँ वो सामने हमें नजर आ रहा है अभी भाव समाज की अभ्यास कार्य को करवाने जा रही हूँ। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बच्चों आपको अव्यय भाव समास के डिटेल में नियमों को सिखाया था और जो छह अव्यय हमारे कोर्स में है CBSE के 10th के कोर्स में है उनको मैंने आपको डिटेल में अच्छी तरह से डिस्कस किया था विद उदाहरण। आज अभ्यास कार्य को मैं आज इस क्लास में मैं आपको अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ साथ स्टार्ट कीजिए, आप अपनी कॉपी में करना शुरू कीजिए और मेरी बात को समझते जाइए और फिर आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। और मैं सोच रही हूँ जब आप ये कंप्लीट करके उठेंगे तो आप अव्यय भाव समास को अच्छी तरह से सीख चुके होंगे, राइट। तो आप चलिए हम स्टार्ट करते हैं अव्यय भाव समास। तो अव्यय भाव समास में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पहला समास में पहला जो होता है वो अव्यय होता है और उत्तर पद में नपुंसक लिंग एक वचन लगता है। और जब हम समास विग्रह करते हैं तो नियमों का पालन करते हैं, जो सारे नियमों के अनुसार मैंने आपको सिखाया हुआ था, जो नियम मैंने आपको समझाए थे पिछली क्लास में उसको भी ध्यान करते हुए आप मेरे साथ साथ करते चले जाइए। जैसे सबसे पहला उदाहरण हमारे सामने आ रहा है बच्चों, अनुगणेशम। अनुगणेशम का मतलब क्या है? हमारे पास देखिए ये अनु उपसर्ग है और अनु उपसर्ग हमें क्या संदेश देता है कि इसमें अनु के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं आप बताइए। और इसमें हम अनुगणेशम में हम सृष्टि विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जब हम इसमें अनु का प्रयोग करते हैं तो क्या लगाते हैं? अनु की जगह पश्चात लगाते हैं। तो और गणेश में उत्तर पद में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? सृष्टि विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आप देखिए गणेश जो है एक वचन है इसलिए हम इसमें सृष्टि विभक्ति का प्रयोग करेंगे और अनु की जगह हम पश्चात लगाएंगे और इति का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? गणेशस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन में गणेशस्य अनु के लिए हम क्या लगाएंगे? गणेशस्य पश्चात इति। ये आपका समास विग्रह हो गया। जो समास होगा जो एक शब्द होता है बच्चों वो समास होता है और जो भी आपका एक शब्द होगा उसे समास विग्रह करेंगे और जो दो या तीन शब्द होंगे उसका आप समास बनाएंगे, राइट। अब हमने क्या किया? गणेश में षष्ठी विभक्ति लगाई। आपको कैसे पता चला कि स्य लगेगा? जैसे मैं आपको ये बताती हूँ कि स्य लगेगा, आपका ये शब्द है गणेश है ना, आपका शब्द है। आप देखिए ये अकारांत है यानी अंत। अकारांत का मतलब कि अंत में यहाँ पर अ है तो यहाँ पर हम जो अकारांत आपने शब्द सीखे हुए बालक है ना, हम बालक की सृष्टि विभक्ति लगाएंगे और बालक की सृष्टि विभक्ति बच्चों क्या होती है? बालक की सृष्टि होती है बालकस्य, तो गणेशस्य पश्चात इति। अब देखिए अनु शंभु, अब जो प्रथम जो पूर्व पद है वही ऊपर भी अनु है इधर भी अनु है तो इसका मतलब क्या आएगा? पश्चात आएगा। पश्चात आपका अनु की जगह क्या आता है? आपने जो अब हम विग्रह करते हैं समास विग्रह करते हैं तो पश्चात लगाते हैं और यहाँ है शंभु। अब देखिए यहाँ शंभुस्य नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको मैं यहाँ बता रही हूँ शंभु है ना, तो शंभु जो है हमारा उकारांत है। ये कैसे उकारांत है बच्चों? क्योंकि अंत में यहाँ पर उ आया है तो उकारांत है। तो इस उकारांत होने के कारण हम किसके रूप चलाएंगे? गुरु के रूप चलाएंगे क्योंकि गुरु के हमारे उकारांत है। तो ये उकारांत है इसलिए हम गुरु के रूप चलाएंगे और जब हम गुरु के रूप चलाएंगे तो गुरु में कौन सी गुरु की सृष्टि विभक्ति क्या होती है? गुरु हो, तो यहाँ हो जाएगा शंभो हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? शंभो हो पश्चात इति इति आपको लगाती है, राइट। आपको बात समझ आ गई बच्चों? इस तरह से हम आगे करते चले जाते हैं, हमें आसानी होती है, सीखते चले जाते हैं। अब देखिए
तीसरा हमारे पास विग्रह आ गया, समास विग्रह, इसलिए हमें यहाँ पे समास बनाना है। पुत्रस्य पश्चात इति, अब स्या है षष्ठी विभक्ति है और पश्चात है, आपने सीखा है पश्चात किसके लिए लगाते हैं हम, अनु के लिए पश्चात लगता है। तो जब हम इसको समास बनाएंगे तो, और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो अव्यय होता है वो पूर्व पद होता है हमेशा, तो पश्चात हम क्या करेंगे, पश्चात के लिए हम क्या लगाएंगे, अनु। तो हम सबसे पूर्व पद बना लेंगे इसे, हमने बना लिया अनु, और पुत्रस्य में षष्ठी विभक्ति है तो इसका मूल शब्द लेंगे पुत्र। अब हमने इसका मूल शब्द लिया, क्या लिया हमने इसका मूल शब्द लिया पुत्र, और इसमें नपुंसक लिंग लगा लेंगे अनुपुत्रम, आम लगा लेंगे अनुपुत्रम, जैसे हमने सिखाया था रामम। वैसे पिछली क्लास में मैंने बच्चों आपको सिखाया था कि ये लिंग नपुंसक लिंग एक वचन कैसे बनाया जाता है। नपुंसक लिंग एक वचन में हमने अकारांत में अम जोड़ा था और यहाँ पे भी हमने पुत्रम कर लिया, जैसे मैंने आपको नपुंसक लिंग सिखाते हुए राम का उदाहरण दिया था, राम, जैसे मैंने आपको राम का उदाहरण दिया था, ये राम जो है नपुंसक लिंग है, इसमें नपुंसक लिंग, सॉरी राम जो है में अकारांत है, इसको जब हम नपुंसक लिंग बनाएंगे तो बनेगा रामम, है ना। और तो इसी तरह से पुत्र है तो पुत्रम, तो अनुपुत्रम आपका ये कम, ये आपका, ये भी आपका क्या है, कौन सा है, अव्ययी भाव समास है, ये समास विग्रह किए हैं आपने और ये समास बनाया, राइट। अब आपके पास, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास आ रहा है उपगमगम। यहाँ अनु थे तो हमने पश्चात लगाया, उप के लिए आपने क्या सीखा हुआ बच्चों, समीप, ये समास है, इसका समास विग्रह करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, उत्तर पद जो है वो पहले ले आते हैं, उत्तर पद को क्या ले आते हैं, पहले ले आते हैं। इसमें भी उप में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो जब हम इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें बनेगा गंगा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम गंगा यहा, गंगा यहा क्या करेंगे, गंगा यहा, और गंगाया हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हमारा जैसे यहाँ लिखा हुआ है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस समय गंगम आया है तो हम यहाँ पे गंगाया ही कर लेते हैं, गंगाया गंगाया। ये हमने क्या किया, षष्ठी रमायाहा षष्ठी विभक्ति लगाई बच्चों, यहाँ क्या लगा गंगायाहा, और इसमें उप की जगह क्या लगाएंगे, गंगायाहा समीपम, हमने उप के लिए क्या लगाते हैं, समीपम, जैसे अनु के लिए पश्चात लगाते हैं वैसे उप के लिए क्या लगाते हैं, समीपम, गंगायाहा समीपम इति। ये आपका क्या बन गया बच्चों, ये समास विग्रह हो गए, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं दिश समीपम इति, दिश, अब ये क्या है, समास विग्रह, समीपम आया है इसका मतलब हमारा कौन सा लगेगा, उप लगेगा, है ना, उप अव्यय लगेगा, और उप अव्यय कहाँ लगेगा, सबसे पहले लग जाएगा, पूर्व पद बन जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उप दिश, दिश जो है ये आपका सृष्टि विभक्ति है, जब हम दिश, इसका मूल शब्द होता है दिश, दिक, और मूल शब्द दिशा होता है, और अब इसका जब हम इसका नपुंसक लिंग एक वचन बनाएंगे तो बनेगा दिक, उप दिक, है ना, क्या बनेगा, उप दिक। तो इसका हमारा बस इसमें ये हमारा समास बनेगा, राइट। तो ये कौन सा बना, ये बच्चों बना है हमारा नपुंसक लिंग एक वचन। अब आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैम यहाँ पे पुत्रम किया, माँ आया है, यहाँ पर आपका कोई भी जो हम नपुंसक लिंग करते हैं उसमें माँ लगता है, और जैसे गणेशम होता है, लेकिन यहाँ पे दिश में दिश को जब हम ये दिश षष्ठी विभक्ति है, इसका मूल शब्द होता है दिशा, और दिक भी होता है,
और ये जब हम इसको प्रथमा विभक्ति में ले जाएंगे तो नपुंसकलिंग एक वचन दिख बनेगा, राइट। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये ज्यादातर बच्चों आ जाता है, ये हर क्वेश्चन पेपर में ये समास विग्रह जरूर आता है, तो इसे बहुत ध्यान से कर लीजिए उपदे, क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो पाषाण समीपम इति, पाषाणस्य समीपम इति, और पाषाणस्य समीपम इति में क्या यहाँ पर भी हमारे पास समीपम आया है, इसका मतलब हम कौन सा अव्यय लगाएंगे, पूर्व पद बना लेंगे उप, और पाषाणस्य का मूल शब्द क्या है, पाषाण, पाषाण, और पाषाण जब इसमें नपुंसक लिंग एक वचन बनाएंगे तो पाषाण, हम लगाते तो पाषाण, उप पाषाण, राइट। तो उपाषाणम में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा समास विग्रह बन गया, और सॉरी समास बन गया, ये समास विग्रह हमें दिया हुआ था। नेक्स्ट आ जाइए, हमारे पास है मित्रेण सहितम, मित्रेण सहितम, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास सहितम है, सहितम है, सहितम मतलब सह, सहितम मतलब सह, सह या स, ये आता है सह या स, राइट, आपने ये सीखा है। तो मैं यहाँ पे उसके साथ साथ आपको अव्यय बताती जाती हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, यही लिखती हूँ आपका यहाँ पे, ये सह और ये स, सामने सामने मैं लिख रही हूँ, सामने सामने सह का स, राइट। तो हम इन सामने वाले को यहाँ रब कर देते हैं और यहाँ मित्रम का स, तो जब हम इसको ये सह सह या स आएगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था ज्यादातर स आता है, तो हम यहाँ पर वो अव्यय जो लगाएंगे स लगाएंगे, स मित्रम, स मित्र मूल शब्द हो जाएगा, इसको नपुंसक लिंग एक वचन बनाने के लिए अकारांत है, तो नपुंसक लिंग एक वचन बनाने के लिए मित्रम बन जाएगा, स मित्रम। तो ये समास विग्रह बच्चों, और ये समास बन गया, राइट। आगे मैं सोचती हूँ आपको बात मेरी समझ आ रही होगी, और जो अगर आपने पिछली क्लास को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, या फिर आपने नियमों को याद नहीं किया होगा, नियमों को अपने दिमाग में नहीं रखा होगा, तो आपको ये करना बहुत कठिन हो जाएंगे। और अगर मेरे नियम जो मैंने आपको पिछली क्लास में नियम सिखाए हैं, उन नियमों को सामने रखोगे तो आपको हर बात क्लियर होती चली जाएगी, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये एट नंबर जो है स धर्मम, स से हमें पता चल रहा है कि हमें स अव्यय लगा हुआ है, कौन सा अव्यय लगा हुआ है, स अव्यय है, और धर्मम नपुंसकलिंग एक वचन है, तो राइट। जब हम धर्मम को नपुंसकलिंग एक वचन है, तो जब हम, आपको पता है कि जब हम समास विग्रह करते हैं तो जो उत्तर पद होता है वो पहले आ जाता है, और इसका अव्यय का जो अर्थ है वो पीछे चला जाता है, तो स धर्मम। और मैंने आपको बताया था स वाले शब्दों में जहां पे स या स आता है वो, उसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर धर्मम में क्या, क्योंकि देखिए आप ऊपर भी मित्रेण तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, धर्मेण, है ना, धर्मेण, ये कौन सी विभक्ति है, धर्म में तृतीय विभक्ति एक वचन, धर्मेण सहितम, स के लिए हम क्या लगाते हैं, सहितम, धर्मेण सहितम, इसमें इति का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए निर्जलम, निर्जलम, आपको पता है निर अव्यय है और ये यहाँ पे जलम जो है उत्तर पद है। अब निर जलम, जलम, अब वही जैसे जब विग्रह करते हैं तो उत्तर पद पहले आ जाता है, जलम को क्या हो जाएगा, इसमें निर जलम, तो निर जलम में इसमें क्या लगता है, निर के लिए हम क्या सीखा हुआ, हमने निर के लिए हमने सीखा हुआ है पिछली क्लास में, मैंने आपको बताया था कि निर के लिए हम अभाव लगाते हैं, निर के लिए अभाव, निर के लिए हमारे पास बच्चों क्या आता है, अभाव आता है ना, और अभाव जो होता है आपका, ये उदाहरण जो है अभाव है ना, और निर
आपको, आप ये कहेंगे मैम आपने, बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी बातें नहीं पता होती है, तो मैं उन्हें वो भी क्लियर करती जाती हूँ ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। निर में आप कहेंगे यहाँ र लिखा है, यहाँ दुर है नहीं। बच्चों जब कोई भी अलग से लिखा जाता है शब्द, तो र हम हलंत के साथ लगाते हैं, और जब ये निर किसी भी शब्द के साथ जुड़ता है तो र जो होता है वो हलंत वाला न लग करके र नेक्स्ट वाले वर्ण में, आगे वाले वर्ण में ऊपर र बन जाता है। तो ये निर ही है, ये निर ही है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, निर्जलम। निर्जलम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, आप देखिए अपने आप अंदाज लगाइए हमारा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसमें होगा सृष्टि विभक्ति का। निर्जलम, जलस्य जल का अभाव, तो जलस्य अभाव, जलस्य अभाव, तो हमारा क्या बना, निर्जलम। राइट, आगे बात समझ में। नेक्स्ट करते हैं निर्जलम। आप देखिए निर्जलम था तो हमने जलस्य अभाव ये हमने एक वचन में लगाया। क्यों एक वचन में लगाया, हमेशा ध्यान रखिए जो काउंट नहीं की जाती, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वो हमेशा एक वचन में रहता है। तो जलस्य अभाव एक वचन में बना। आप देखिए यहाँ पर भी निर और जन्म, ये निर और जन्म। अब जन, जन मतलब व्यक्ति, तो लोग का अभाव नहीं होता, एक लोग का अभाव नहीं होगा। जन्म ना लोग, व्यक्ति, एक व्यक्ति का अभाव नहीं होगा, लोगों का अभाव होगा, तभी निर्जनम कहलाता है। तो अब ये जन अभाव तो लगाएंगे, निर के लिए तो अभाव लगाएंगे, वो बाद में चला जाएगा क्योंकि ये समास है, समास विग्रह करना है। अब यहाँ पे जनस्य अभाव नहीं करेंगे, जनस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन नहीं लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, जनानाम। षष्ठी विभक्ति इसका क्या होता है, जनानाम अभाव, जनानाम अभाव। राइट, आगे बात समझ में। तो ये दोनों समास हैं और ये हमें समास विग्रह करना सिखाया। नेक्स्ट हम करते हैं 11, ग्रहम ग्रहम इति। मैंने आपको बच्चों बताया था कि जब कोई भी शब्द दो बार दोहराया जाता है तो हम क्या करते हैं, हमें हमारे कौन सी होता है, प्रति, प्रति उपसर्ग लगता है, ग्रहम ग्रहम इति। तो इसकी जगह अव्यय क्या लग जाएगा, ये दो बार विप्स है, दो बार दोहराया गया है, तो हमारे हमारा आएगा प्रति। और इसमें नपुंसक लिंग क्या लगेगा, नपुंसक लिंग ग्रहम ग्रहम प्रति ग्रहम। अब बच्चों बहुत से बच्चे मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कि ये ग्रहम में म आपने ऐसे म हलंत वाला बनाया और यहाँ ग्रहम में आप अनुस्वार लगाते हैं, तो दोनों में क्या फर्क होता है, दोनों में फर्क होता है, मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों में क्या फर्क होता है। यहाँ देखिए कुछ चलते चलते मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे, यहाँ तो ग्रहम आएगा, यहाँ यहाँ हमारा ग्रहम आएगा और यहाँ हमारा ग्रहम आएगा। क्यों, देखो जब ये म, ये आपका जो म है वो ऐसे भी लगाया जाता है। राइट, कब लगाया जाता है ऐसे और कब लगाया जाता है ऐसे, जब, तो मैं आपको आज फिर ध्यान से बता रही हूँ, जब अनु, जब इस व्यंजन के पीछे, जब तभी भी ये व्यंजन लगाया जाता है जब व्यंजन के पीछे, सॉरी इस अनुस्वार के पीछे व्यंजन होता है। और म कब लगाया जाता है, है ना, म कब लगाया जाता है, जब स्वर होता है। दोनों में फिर से ध्यान सुन लीजिए, म और अनुस्वार बच्चों एक एक समान है, इक्वल है। दोनों कब यूज किए जाते हैं, व्यंजन जब यूज किया जाता है जब उसके आगे वाला शब्द, आगे वाला वर्ण व्यंजन होता है, और म कब यूज किया जाता है, जब उसके आगे वाला वर्ण स्वर होता है। राइट, तो देखिए अब इधर देखिए, इधर मैंने आपका व्यंजन लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ के आगे वाला शब्द जो है ग व्यंजन है और यहाँ पे मैंने म लगाया, दोनों चीजें ग्रहम ग्रहम है, यहाँ पे मैंने म लगाया, क्यों,
क्योंकि आगे वाला वर्ड यहाँ पे की स्वर है, राइट। और जब हम यहाँ पे म लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आगे हमारे पास कोई वर्ण ही नहीं है, जब कोई वर्ण नहीं होता है तो म लगाया जाता है। ओके, क्लियर हो गई बात। तो ये हमने आपको बहुत बार मैंने आपको समझाया हुआ है, और साथ के साथ जब जब ये इस तरह का प्रयोग आता है मैं आपको समझाती चली जाती हूँ, राइट। तो आगे हम करते हैं 12 नंबर उदाहरण को लेते हैं, और भोजने, सॉरी यहाँ पे भाजने लिखा हुआ है, ये बन जाएगा भोजने, भोजने। अब देखिए, मैंने जब आपको सिखाया था जब दो बार कोई भी शब्द दोहराया जाता है समास विग्रह में, तो वो जो होता है क्या होता है, वो या तो द्वितीय विभक्ति में होता है या सप्तमी विभक्ति में होता है। उनमें क्या लगता है, उनमें कौन सा अव्यय लगता है, प्रति लगता है। जब पिछली वाली क्लास में नियम था हमारा, या तो द्वितीय विभक्ति में होगा या पंचसप्तमी विभक्ति में होगा। ये आपका उदाहरण जो है सप्तमी विभक्ति का है, तो हमारा क्या बनेगा, प्रति और भोजन, इसका मूल शब्द आ जाएगा भोजन। और फिर जब हम, सॉरी, प्रति ये आपका मूल शब्द हो गया भोजन, और ये इसमें हम इसे नपुंसक लिंग एकवचन बनाएंगे। वो तो आपको पता है जब भी समास बनाया जाता है तो पीछे अंत में नपुंसक लिंग एकवचन आता है। भोजन में अकारांत है तो अकारांत होने के कारण रामम की तरह से बन जाएगा भोजनम, प्रति भोजनम, राइट। आगे बात समझ में, नेक्स्ट चलते हैं प्रतिदिशम, है ना। अब प्रतिदिशम, तो दिशम, दिशम क्या होता है बच्चे, प्रतिदिशम। अब ये आ गया हाँ हमारा प्रतिदिशम क्या आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया प्रति है तो पूर्व पद, सॉरी जो उत्तर पद है उसे दोहराया जाएगा। दिशम दिशे दिशे, एक तो सप्तमी विभक्ति में करेंगे, और जब हम सप्तमी विभक्ति में करेंगे तो क्या आएगा, दिशे दिशे, ओके। और दूसरा हमारे पास बच्चों क्या आएगा, दूसरा हमारे पास आएगा दूसरा हमारे पास आएगा दिशाम दिशाम, है ना। और जब हम देखिए, जब ग्रहम ग्रहम इति आया तो आ जाएगा दिशाम, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे इसमें। दिशे दिशे में हमारा कौन सा लग गया, हमारा लग गया ये, सॉरी ये हमारा दिशम दिशम, दिशे दिशे नहीं होता है बच्चों, इसमें होता है दिशे दिशे दिशे। ये क्या होता है, सप्तमी विभक्ति क्या होता है, दिशे, और ये दिशे, दिशे, और ये हमारा दिशे, है ना। और हमारा दूसरा जो होता है दिशे दिशे और दिक दिक, द्वितीय विभक्ति हमारी बच्चों क्या आती है, इधर दिशे दिशे, जरा सही कर ले हम, ये बना दिशे और ये दिशे। और जब हमारा आता है, अगर हम इसे द्वितीय विभक्ति में प्रयोग करते हैं तो द्वितीय विभक्ति होते हैं दिक दिक इति, राइट। ये दिश वाला शब्द जो होता है आपका बहुत अलग से होता है, मैं तो इसे बोलूंगी आपको एकदम इसे रिवाइज कर लेना चाहिए, इसे याद कर लेना चाहिए, बार बार रिवाइज। और ज्यादातर ये क्वेश्चन बहुत आ जाता है, तो प्रति दिशम दिशा वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, दिशा वाला क्वेश्चन ज्यादातर आ जाता है। तो ये सप्तमी विभक्ति है और ये द्वितीय विभक्ति है, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, बलम अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य का मतलब क्या है, अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य कहाँ पर आता है बच्चों, अनतिक्रम आता है यथा, कब आता है यथा, ये समास विग्रह है। जब हम समास बनाएंगे तो इसका अव्यय कहाँ लेंगे, ऊपर सामने लेंगे, यथा और बलम, इसमें द्वितीय विभक्ति का वो होता है तो यथा बलम, इसमें भी नपुंसक लिंग एक वचन बन गया यथा बलम है। और यथा रुचि, यथा रुचि, और हम यथा रुचि में भी यथा क्या कर देंगे, ये आपका ये समास विग्रह है तो आपने समास बना लिया। अब ये समास है तो हम इसमें आपको देखिए, समास है आपको बताया था नपुंसक लिंग एकवचन बनाने के लिए इकारांत, एकवचन बनाने की इकार ई बन जाता है, तो इसलिए यहाँ पे रुचि ये लगा हुआ है।
अब जब यथा करेंगे तो यथा रुचि के लिए बच्चों हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा, अब हम करेंगे रुचिम, है ना, क्या बन जाएगा, अब हमें द्वितीय विभक्ति लगानी है अंदर, रुचिम रुचिम अनतिक्रम, और ये यथा की जगह क्या लगा देंगे, अनतिक्रम, उल्लंघन करना, है ना, रुचि अनतिक्रम का मतलब होता है उल्लंघन करना, अनतिक्रम रुचि अनतिक्रम, राइट। तो ये आपका जो बन गया रुचिम, हमने कौन सी विभक्ति लगा दी, हमने लगा दी द्वितीय विभक्ति एक वचन, ओके, रुचि का उल्लंघन करना, अपनी अपनी इच्छाओं का, अपनी जो हमारी इच्छाएं हैं उसका उल्लंघन करना, उसको उसका पालन नहीं करना, राइट। तो इस तरह से हमारे पास, मैंने आपको 15 उदाहरण समझाए हैं और 15 उदाहरण आपको के द्वारा, 15 उदाहरण के द्वारा मैं सोचती हूँ आपको ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि अव्ययी भाव समास के हम मिक्स उदाहरण कैसे कर सकते हैं। और बच्चों इसके बाद भी अगर दोनों जो इससे पहली वाली क्लास है और ये क्लास है, इन दोनों को एक साथ करिए, कहीं ऐसा ना करिए पहले उदाहरण कर लो और फिर आप नियम सीखो, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये दोनों क्लासेस आप एक साथ करिए, एक ही दिन करिए, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सके और आगे आपको प्रयोग कर सके और आप इसका लाभ उठा सके, ओके। तो मैं बच्चों ये क्लास फिनिश करने से पहले जो उदाहरण मैंने अव्ययी भाव समास की क्लास ली है उदाहरण की, उसको समाप्त करने से पहले आपसे एक बार फिर से बात को कहना चाहती हूँ, आपको एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि कमिंग सैटरडे यानी 25 तारीख को मैं ऑनलाइन क्लास लेने जा रही हूँ, ऑनलाइन लाइव क्लास लेने जा रही हूँ 12:15 बजे। मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़े ताकि आप मुझसे क्वेश्चंस कर सके और मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। मैं सबसे पहले लाइव क्लास हर सैटरडे को 12:15 बजे होगी और मैं बिल्कुल सबसे पहला टॉपिक जो है व्याकरण का संधि, उसको ले रही हूँ, और संधि में भी मैं आपको संधि और स्वर संधि लूंगी। स्वर संधि के 5-6 भेद है हमारे कोर्स में, हम 3 भेद लेंगे क्योंकि लंबी क्लास नहीं बनाएंगे, बड़ी क्लास नहीं बनाएंगे, ताकि आप आसानी से 1 घंटे में क्लास को हमें फिनिश भी करना होता है, राइट। तो मैं आपको क्लास में टॉपिक समझाऊंगी और टॉपिक समझाने के बाद आपको एग्जांपल्स दूंगी और ऑनलाइन लाइव क्लास में आपसे क्वेश्चनिंग करूंगी और आप मुझे आंसर देंगे। मुझे उम्मीद है ये क्लास बहुत सफल होगी और आप लोगों को भी इस क्लास से काफी लाभ मिलेगा, राइट। टीचर्स पॉइंट, हर बार कोई ना कोई चेंजेस करते रहते हैं। इससे पहले अभी तक आपकी मैथ्स की क्लास चल रही थी, संडे को 12:15 बजे ऑनलाइन लाइव क्लास चल रही थी, वो कंटिन्यूशन में चलेगी, काफी अच्छी चल रही है और अच्छी चलेगी। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे मैथ्स की क्लासेस भी देखें और जो 12:15 बजे संडे को होती है, ओके, और सैटरडे को 12:15 बजे संस्कृत की होगी, दोनों क्लासेस का लाभ उठाएं और दोनों क्लासेस को देखें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुद देखिए और अपने नियर एंड डियर और आपके जितने फ्रेंड्स हैं उन सबको बताइए, ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके और समझ सके और पढ़ सके, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, जितने बच्चे हमसे क्वेश्चनिंग करते हैं, हमको अच्छा लगता है और हम मोटिवेट होते हैं और बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस देखने की कोशिश करेंगे हम, राइट। तो क्लास फिनिश करने से पहले मैं आपको फिर से वही वाक्य दोहरा रही हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए और अपने नियर डियर को बताइए कि ये क्लासेस चल रही हैं और उन्हें भी आप सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, लाइक करने का और बेल आइकॉन पर प्रेस करने के लिए आप कहिए, ओके। तो मैं यहीं पर क्लास फिनिश करती हूँ, आगे
जल्दी आपके पास और क्लास लेकर आपके सामने आऊंगी, और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।